क्या आप भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना कितना सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी डाइटिशियन एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी लक्ष्मी यादव, और आज हम बात करने जा रहे हैं क्या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना सही है, क्या ऐसा करना आपके शरीर के लिए, आपके जो है हेल्थ के लिए अच्छा है। तो चलिए देखते हैं ये सारी बातें। लेकिन अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जी हाँ, पानी ना सिर्फ हमारे शरीर की सेल्स तक न्यूट्रिशन को पहुँचाता है, साथ साथ ऑक्सीजन को भी हमारे ब्रेन तक सप्लाई करता है। लेकिन क्या ये पानी आपको खाना खाने के बीच में पीना चाहिए? जो लोग खाना खाने के बीच में एकदम से रुककर एक ग्लास दो ग्लास पानी पी लेते हैं, क्या ये सही है? आज हम यही बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, स्पेन में एक रिसर्च हुई है जिसमें डोनट, जी हाँ डोनट तो आप जानते ही होंगे, जी हाँ ये रहा डोनट। इस रिसर्च में उन्होंने ये किया है कि खाना खाने के पहले 30 मिनट पहले कुछ पेशेंट्स को पानी दिया गया पीने के लिए, उसके बाद उन्हें डोनट दिया गया, इसके बाद उन्होंने रिजल्ट्स नोट किए, इसके बाद उन्होंने डोनट और पानी, जी हाँ डोनट खाते खाते बीच में लोगों को पानी दिया और फिर उसके रिजल्ट्स नोट किए, इसके बाद उन्होंने डोनट खाने के बाद, जी हाँ डोनट खाने के तुरंत बाद लोगों को पानी दिया और फिर उसके रिजल्ट्स नोट किए। तो इस तरह से खाने के पहले पानी दिया गया, खाने के बीच में पानी दिया गया और खाना खाने के बाद भी, डोनट खाने के बाद भी लोगों को पानी दिया गया और उसके रिजल्ट्स नोट किए गए, और जो रिजल्ट्स थे काफ़ी चौंकाने वाले थे। जी हाँ, जिन लोगों ने खाने के साथ पानी लिया था, जी हाँ मतलब डोनट खाते वक्त बीच में उन्होंने एक गिलास पानी पिया था, उन लोगों के शरीर में इंसुलिन का जो रिलीज है और जो इंसुलिन का लेवल था वो काफ़ी हाई था। इसके साथ ही वो लोग जिन्होंने खाना खाने के बाद यानी कि डोनट खाने के बाद पानी पिया था, उनके भी शरीर में इंसुलिन का लेवल काफ़ी हाई था। इसके विपरीत जिन लोगों ने खाना खाने के पहले पानी पिया था, उनके शरीर में इंसुलिन का लेवल जो है अपने निम्न स्तर पर था। यही नहीं, आप अगर खाना खाने के बीच में एक से दो ग्लास पानी पीते हैं तो आपको इनडाइजेशन हो सकता है। जी हाँ, जो आपके डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं वो प्रॉपरली आपके खाने पे वर्क नहीं कर पाते और आपको इनडाइजेशन की, गैस बनने की, पेट में दर्द होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस इनडाइजेशन और पेट दर्द से बचने के लिए हम आखिर पानी पिए कब? जी हाँ, हमें पानी कब पीना चाहिए? तो इसका जवाब भी इसी रिसर्च में दिया गया है कि आप खाना खाने के 30 मिनट पहले पानी पी सकते हैं या फिर आपके खाने के 30 मिनट बाद पानी पी सकते हैं। आप खाने के बीच में एक या दो घूंट पानी ले सकते हैं, उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। सपोज़ आपका खाना बीच में अटक रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको निगलने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप एक या दो सिप पानी पी सकते हैं। लेकिन आप एकदम से ढेर सारा पानी आपके खाना खाने के बीच में बिल्कुल भी ना लें। आप अगर खाना खाने के पहले पानी पीते हैं या फिर आपके खाने के 30 मिनट बाद पानी पीते हैं तो आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ हो सकते हैं और अपना प्रॉपर काम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका वज़न भी कंट्रोल रहता है। अगर आप खाना खाने के पहले पानी पीते हैं तो आपको फुल फील होता है और शायद आप एक चपाती कम खाएं, और आप अगर खाना खाने के 30 मिनट बाद पानी पीते हैं तो आपका इंसुलिन का लेवल भी सही रहता है। तो ये सारी जानकारी जो है एक रिसर्च पेपर पर बेस्ड है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ये रहा आज का वीडियो, आई होप आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन, कल के वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। बाय बाय।